ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत कथा दृष्टांत अने रहस्य। नाळियेरमां काचली कोपरू जुदा छे, छतां नाळियेरमां ज्यां सुधी पाणी छे त्यां सुधी काचली कोपराने छोड़ती नथी। ए पाणी सुकाई जाय तो कोपरू काचलीथी अलग थई जाय छे। तेम मनुष्यमां ज्यां सुधी विषय रस छे, विषयासक्ति छे, त्यां सुधी शरीर अने आत्मा जुदा छे तेवो अनुभव थतो नथी। शरीर ए काचली छे, शरीरमां रहेलो जीवात्मा एक कोपरा जेवो छे, पाणी ए विषय रस छे। काचलीथी कोपरू अलग करवू कठण छे, तेमां पाणी हशे त्यां सुधी काचली कोपराने छोड़शे नहीं। तेम संसारनी कोई वस्तुमां स्नेह होय, संसारना कोई विषय में आसक्ति होय, त्यां सुधी शरीर थी आत्मा जुदो छे एम लागतु नथी। शरीर थी आत्मा जुदो छे एम देखातु नथी। संसारनु सुख ए दुख छे, संसारनु सुख साचु सुख नथी। एनी जेने खात्री थई छे ते आत्माने शरीर थी जुदो पाड़वा मथे छे। संसारना विषयों ज्यां सुधी जीवने मीठा लागे छे त्यां सुधी ए शरीर थी आत्माने जुदो पाड़ी शकतो नथी। पण जेनो विषय रस तप भक्ति अने ज्ञानथी सुकाई गयो के एज शरीर रूप काचलीथी जुदो पड़ी जाय छे। खरो आनंद शरीरमां नथी, शरीरनुं सुख ए सारू सुख नथी। शरीरनुं सुख ए मारू सुख एम जे माने छे ते अज्ञानी छे। सतत ध्यान करीने ज्ञानी लोको जड चेतननी गांठ छोड़े छे अने आत्मानंद लूटे छे। आत्मा ज आनंद स्वरूप छे। ज्ञाननी सात भूमिकाओ योग वासिष्ठ महारामायणमां बतावामां आवी छे। ए सात भूमिका आ मुजब छे। एक शुभेच्छा, बे सुविचारणा, त्रण तनुमानसा, चार सत्वापति, पांच असंसति, छ पदार्थ भाविनी अने सात तुर्यगा। शुभेच्छा एटले आत्मकल्याण माटे क्षत्रिय अने ब्रह्मनिष्ठ गुरुने शरणे जईने शास्त्रोनुं अवलोकन करी तेमना उद्देश प्रमाणे आत्मविचार करीश। आवी आत्माना साक्षात्कार माटेनी जे उत्कट इच्छा ते शुभेच्छा। सुविचारणा एटले सद्गुरुए उपदेश करेला वचनोनो अने मोक्ष शास्त्रनो वारंवार विचार। त्रीजू तनुमानसा, श्रवण मनन निधिध्यासनथी जे शब्दादि विषयोमां अनासक्ति थाय छे अने सविकल्प समाधिमां अभ्यास वडे बुद्धिनी तनुता एटले के सूक्ष्मता प्राप्त थाय ते। चौथुं सत्वापति, आगळ कहेला त्रण थी साक्षात्कार पर्यंत स्थिति एटले निर्विकल्प समाधि रूपे स्थिति ए सत्वापत्ति एम कहेवायुं छे। ज्ञाननी चौथी भूमिकावाळो पुरुष ब्रह्मवीत कहेवाय छे। पांचमुं छे असंसक्ति, चित्त विषय परमानंद अने नित्य अपरोक्ष एवी ब्रह्मात्म भावनानो साक्षात्कार रूप चमत्कार थाय छे तेने असंसक्ति कहे छे। एमां अविद्या अने तेना कार्यनो संबंध नथी तेथी तेनो नाम असंसक्ति छे। छठ्ठुं पदार्थोनी दृढ़ अप्रतीति थाय ते पदार्थ भाविनी अने सातमुं तुर्यगा, त्रण अवस्थाथी मुक्त। ब्रह्मने जे अवस्थामां आत्मरूपे अखंड जाणे ते अवस्था। तेमां प्रथम त्रण साधन कोटिनी छे, बाकीनी चार ज्ञान कोटिनी छे। ત્રણ ભૂમિકાઓ સુધી સગુણ બ્રહ્મનું ચિંતન કરવું અને જ્ઞાનની પાંચમી ભૂમિકાએ પહોંચતા
જળ અને ચેતનની ગ્રંથિ છૂટી જાય છે અને આત્માનો અનુભવ થાય છે. આત્મા શરીરથી જુદો છે. આ ભૂમિકાઓમાં ઉત્તરોત્તર દેહનું ભાન ભૂલાતું જાય છે અને છેવટે ઉન્મત્ત દશા પ્રાપ્ત થાય છે. ઋષભદેવજીએ આવી દશા પ્રાપ્ત કરેલી. ઋષભદેવજીની જ્ઞાનની છઠ્ઠી ભૂમિકા પ્રાપ્ત થયેલી હતી. એમ કહેવાય છે કે બોલવાની ઈચ્છા જ ન થાય એટલે ઋષભદેવજી પોતાના મોઢામાં પથ્થરો રાખતા હતા. આંખને શક્તિ આપે છે મન, મનને શક્તિ આપે છે બુદ્ધિ, અને બુદ્ધિને શક્તિ આપે છે પરમાત્મા. આંખની સાથે મન હોતું નથી તો વસ્તુ દેખાતી નથી. હરિ ઓમ.